आभासंतरभास्कः समरसः सर्वात्मनो बोधकः। अरे ये तो मेरे द्वारा अनुवादित ग्रंथ है, इसे कौन गा रहा है? सोच्य शर्म दतातु सर्व जनता विवाही सिद्धाष्टकम् अस्मसु प्रत्येकः तस्य नियते अधिपतः। इसका अर्थ क्या है? अर्थात हम में से प्रत्येक अपनी नियति का स्वयं स्वामी है। मनुष्य अपना भाग स्वयं ही बना अथवा बिगाड़ सकता है। गुरु माता ने श्लोक के अर्थ की भी कितनी सुंदर व्याख्या की है। ओ, इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। हाँ गुंडप्पा, अम्मा मेरी अम्मा आ गई है, पकड़ अम्मा। संभाल के। तिनाली गांव में सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल तो है? अरे अम्मा ये देखो, मैं लड्डू लाया हूँ तुम्हारे लिए। अम्मा दो। अरे लड्डू नहीं, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। अम्मा शारदा कहाँ है? चली गई? कहाँ चली गई? अरे शारदा के बचपन की सहेली का स्वास्थ्य उचित नहीं है, इसलिए वो तेनाली गई है। अरे ये तुम दोनों सास बहू ने क्या लगा रखा है, एक आती है तो दूसरी चली जाती है। अभी तुम तेनाली गांव से आई हो तो वो चली गई क्या? अम्मा छोड़ो। वैसे गुरु माता, आपका संस्कृत भाषा का उच्चारण अत्यंत ही स्पष्ट है। धन्यवाद पंडित रामाकृष्णा, हमें हमारे स्वर्गीय पिताश्री ने संस्कृत की शिक्षा दी थी। वाह वाह वाह, अत्यंत ही ज्ञानी पुरुष रहे होंगे वो, उन्हें शत शत नमन। अम्मा अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम पंडित रामाकृष्ण। प्रणाम गुरु माता। अम्मा ये गुरु माता क्यों आई थी? कुछ खाने आई थी? तुम्हारे लड्डू लेने आई थी? ओ, लड्डू चुराने आई थी बोलो। भगवान का प्रसाद, भगवान का प्रसाद देने आई थी। लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी? अम्मा भगवान को प्रसाद में लौकी की सब्जी कौन अर्पण करता है? ये लौकी की सब्जी गुरुवर की अत्यंत प्रिय सब्जी है ना, इसलिए। गुरु माता के प्रभु भी तो वही है। ये मेरा ग्रंथ बाहर किसने निकाला? गुंडप्पे, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि मेरी किसी भी वस्तुओं को हाथ मत लगाया कर। अम्मा के लिए इस घर में तेला मेला कुछ नहीं है, जो है वो सबका है। धन्यवाद अम्मा। तूने मेला लड्डू क्यों था? अम्मा आप ही ने था ना, इस घर में तेला मेला तुझ नहीं है, जो है वो सबका है। रामा इतना अधिक प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं, दो ग्रंथों का अनुवाद अभी भी शेष है। महाराज द्वारा ग्रंथों के अनुवाद के लिए दी गई समय सीमा भी समाप्त होने वाली है। मेरी सलाह मान और व्यर्थ के प्रयोजन छोड़कर ग्रंथों का अनुवाद कर। हाँ बंधु तू सत्य कहता है, मुझे शीघ्र अति शीघ्र अनुवाद का कार्य समाप्त करना चाहिए। महाराज की जय। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणाम महारानी तिरुमलम्बा जी। प्रणाम महारानी चिन्ना देवी जी। प्रणाम। प्रणाम महाराज, आपने हमें बुलाया, सब कुशल तो है? हमने आपको यहाँ पर एक विशेष प्रयोजन से बुलाया महामंत्री जी। आपको तो ज्ञात है कि पंडित रामकृष्ण ने हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए क्या कुछ नहीं किया है। उनका जितना भी आभार व्यक्त किया जाए कम है, और इस समय हमारे पास उन्हें देने के लिए कोई
यथोचित उपहार नहीं है और ना ही कोई सम्मानित पद है। अतः हमने एक नवीन योजना बनाई है जिसके अंतर्गत हम चाहते हैं कि आप एक भव्य समारोह का आयोजन करें। विजयनगर राज्य के गणमान्य जनों को आमंत्रित करें। हम समस्त विजयनगर के समक्ष पंडित रामकृष्ण को सम्मानित करना चाहते हैं। महाराज, ये तो अति उत्तम विचार है। महाराज, हम अभी से सारी व्यवस्था कर लेते हैं। हमें आज्ञा दीजिए महाराज। अवश्य महामंत्री जी। प्रणाम। 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 मंत्री जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुवर। क्या बात है महामंत्री जी, बड़े व्यस्त दिखाई पड़ रहे हैं। हम तो महाराज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ऐसी क्या आज्ञा दे दी महाराज ने आपको? महाराज की इच्छा है कि एक भव्य समारोह आयोजित कर विजयनगर के भद्र जनों के समक्ष पंडित रामकृष्ण को सम्मानित किया जाए। हैं? एक बार पुनः कहिए। पंडित रामकृष्ण को सम्मानित किया जाए, बस उसी की व्यवस्था में हम लगे हुए हैं। और हाँ गुरुवर, आप भी अपने परिवार सहित इस समारोह में अवश्य पधारिएगा। अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम गुरुवर। देखे ना गुरुजी, आप तो विजयनगर के महान राजगुरु हैं, किंतु आज तक महाराज ने आपके लिए तो महाराज ने आपके लिए भव्य समारोह तो क्या, एक छोटा सा तंबू लगा कर भी आपका सम्मान नहीं किया गुरुजी। खेल ग्रंथों का अनुवाद पूर्ण हुआ। अब मुझे शीघ्र ही इन्हें लेकर गुरुवर के पास पहुंचना चाहिए। वो मुझसे प्रसन्न भी हैं, पढ़ते ही स्वीकृति प्रदान कर देंगे। हाँ। कदापि नहीं। महाराज की इच्छा है कि एक भव्य समारोह आयोजित कर पंडित रामकृष्ण को सम्मानित किया जाए। हमारे रहते पंडित रामकृष्ण का सम्मान कदापि नहीं हो सकता। गुरुजी, आप महाराज से विद्रोह करेंगे? ये भी तो सोचिए, सम्मान समारोह का आदेश स्वयं महाराज ने दिया है। हाँ। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम धनीमणि। मैंने कहा प्रणाम। क्या है, यहाँ क्यों आए हो? गुरुवर, मैंने महाराज द्वारा दिए गए ग्रंथों का अनुवाद पूर्ण कर लिया है, आप कृपया एक बार जांच लें बस। सम्मानित होने के लिए बड़े उतावले हो रहे हो पंडित रामकृष्ण, अभी आपको सबक सिखाते हैं। अवश्य। अनुवाद कार्य की जांच करना अत्यंत आवश्यक। हाँ। महाराज ने हमें आपका मार्गदर्शक बनाया है पंडित रामकृष्ण, पर हमारी जांच के बिना आप इन अनुवादित ग्रंथों को महाराज के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते, ये सदैव स्मरण रखिएगा पंडित रामकृष्ण। इसी कारण तो आपके पास इन ग्रंथों को लेकर आया हूं गुरुवर। उचित। बैठिए और हमें ग्रंथ पढ़कर सुनाइए। बैठिए बैठिए।
अब गुरुवर, गणेश वंदन से ग्रंथ पढ़ना आरंभ करूं या सीधा अनुवादित पद पढ़ू? कैसे पंडित हो पंडित रामा कृष्णा? इतना भी ज्ञात नहीं है आपको? कोई भी शुभ कार्य गणेश वंदना से ही प्रारंभ होता है। हाँ हाँ हाँ, क्षमा करें गुरुवर। शुक्लांबर धर्म विष्णुम शशि वर... पंडित रामाकृष्णा, चिल्ला क्यों रहे हैं? उठिए, थोड़ा दूर जाइए, वहां जाकर पड़िए। शुक्लांबर धर्म विष्णुम शशि क्या क्या कह रहे हैं पंडित रामाकृष्णा? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पंडित रामाकृष्णा, वो ग्रंथ आप हमें दे दीजिए, हम पढ़ेंगे तो अब स्वामी को अवश्य सुनाई देगा। जो आ गया गुरु माता, ये लीजिए। शुक्लांबर धरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्न उपशान्तये। वाह 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 गुरु माता, आपका कंठ कितना मधुर है और उच्चारण कितना शुद्ध। वरुण माला, जाइए, जाके जल लेके आइए, हमें अत्यधिक प्यास लगी है। जाइए पंडित रामाकृष्णा, ये पकड़िए ग्रंथ और पढ़िए। जी गुरु। शुक्लांबर धरम, एक क्षण पंडित रामाकृष्ण, एक क्षण। उफ 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 उफ, आज का दिवस बड़ा उष्ण भरा है। धनी बनी जाओ, जाकर पंखा लेकर आओ। जो आज्ञा गुरु जी। अभी लेकर आते हैं। गुरुवर, यदि अब आपकी आज्ञा हो तो मैं। हाँ, पढ़िए पढ़िए, कृपया पढ़िए। शुक्लांबर धर्म विष्णु, एक क्षण पंडित रामकृष्ण, एक क्षण। हमें ऐसा प्रतीत होता है कोई द्वार खटखटा रहा है, जाओ देखो। कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा, हाँ। हमें भ्रांति हो गई थी। कृपया पंडित रामकृष्णा, पाठ आरंभ कीजिए। शुक्लांबर धर्म, पंडित रामकृष्णा क्या कर रहे हैं आप? फिर चिल्ला रहे हैं आप? हमने चिल्लाने के लिए नहीं कहा है, पाठ पढ़ने के लिए कहा है। लाइए, हमें दीजिए, हम स्वयं पढ़ लेंगे। आपका अनुवाद बहुत ही निम्न स्तर का है, हम इसे अनुमति नहीं दे सकते। किंतु गुरुवर, आपने तो ग्रंथ पढ़ा ही नहीं। महान है स्वामी, महान है आप। मात्र कुछ प्रश्नों को स्पर्श करके ही आपने संपूर्ण ग्रंथ को पढ़ लिया। महान है, जय हो आपकी, जय हो स्वामी, जय हो आपकी। बस 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 बस, जल स्वामी। जल का क्या करें? हमें क्या नहीं, आप ही ने हमसे लाने को कहा था। हमने कब कहा? गुरुवर कृपया, अब आप ये ग्रंथ। कृपया पंडित रामाकृष्ण। स्वामी, हम इस जग का क्या करें? वरुण माला, शांत रहो, हम पंडित रामाकृष्णा से किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अवश्य कीजिए स्वामी, हम आपसे कब मना कर रहे हैं, परंतु हमें आज्ञा दे दीजिए कि हम इस जल का क्या करें। क्या है ये जल 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 जल, हमारे सर पर डाल दीजिए जल। पंडित रामाकृष्ण पढ़िए। जो आज्ञा स्वामी। धन्य हो गए हम, धन्य हो गए हम स्वामी, आपका स्पर्श पाकर पवित्र हुए जल से आपने हमें स्नान करा दिया।
धन्य हो गए हम स्वामी, धन्य ही हो गए। जय ईश्वर। अब जाइए वरुण वाला, अब कृपया भीतर जाइए, जाइए। जी स्वामी। पंडित रामकृष्ण, महाराज ने हमें आपका मार्गदर्शक बनाया है और आपके अनुवाद में अत्यधिक त्रुटियां हैं। यदि महाराज ने इसे पढ़ा तो आपके साथ साथ हम ही भी दंड देंगे, जो हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। गुरुवर, उन्हें अनुवाद करके लाइए आप। नहीं अम्मा जी, हमारा कहने का तात्पर्य ये था। हाँ अरे नहीं नहीं वो हाँ। ओ, प्रणाम पंडित रामकृष्णा। बधाई हो पंडित रामकृष्णा, कल प्रातः काल महाराज ने आपके सम्मान में एक भव्य आयोजन किया है। महाराज को, विजयनगर की प्रजा को, यहां तक कि हमें भी आपके किए गए सराहनीय कार्यों पर गर्व है और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार सहित कल राज दरबार में उपस्थित होंगे। जो आज्ञा मंत्री सर। अब हमें आज्ञा दीजिए पंडित रामकृष्ण। प्रणाम। प्रणाम अम्मा। अम्मा, गुरुवर ने मेरे द्वारा अनुवादित ग्रंथों को अस्वीकार कर दिया है और कल ग्रंथों के अनुवाद की महाराज द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त हो रही है। तो क्योंकि गुरुवर को महाराज ने मेरा मार्गदर्शक बनाया है, उनकी स्वीकृति के बिना मैं ये ग्रंथ महाराज के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं कर पाऊंगा। और मुझे ज्ञात है, मैं चाहे कितना भी अच्छा अनुवाद कर लूं ना, गुरुवर मुझे कभी स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे। ठीक है, एक ओर गुरुवर मेरे ग्रंथों को अनुमति नहीं देना चाहते तो दूसरी ओर महाराज मेरे सम्मान में समारोह रख रहे हैं। कल अनुवादन पूर्ण करने का अंतिम दिवस है, यदि महाराज ने अनुवादित ग्रंथ मांग लिया तो।